कमिश्नरी और विकास भवन में कोरोना पॉजिटिव कर्मचारी मिलने पर 48 घंटों के लिए सीज करके पूरे परिसर को सैनिटाइज किया गया, जिसके संबंध में नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी ने बताया कि महानगर में प्रशासन के द्वारा बनाए गए हॉटस्पॉट क्षेत्र, कमिश्नर कार्यालय, विकास भवन, दीवानी कचहरी, जिलाधिकारी कार्यालय, तहसील सदर को सैनिटाइज किया गया और शहर में भी बने हॉटस्पॉट एरिया को 9 गाड़ियों के माध्यम से दिन में 2 बार सैनिटाइज किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी ने कहा, जहाँ जहाँ हमारे महानगर गोरखपुर में कोरोना पॉजिटिव के केस निकले, वहाँ पे हमारी नगर निगम की 9 गाड़ियों के द्वारा सैनिटाइजेशन किया जा रहा है सोडियम हाइपोक्लोराइट 1% सोल्यूशन के द्वारा। अभी कमिश्नरी, दीवानी कचहरी, डीएम सर के ऑफिस और आपका ये सदर तहसील में ये हॉट स्पॉट एरिया घोषित हुआ है, जिसे मतलब कंटेनमेंट एरिया बना दिया गया है, इसलिए यहाँ पर हम लोग को सैनिटाइजेशन सोडियम हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन के द्वारा बराबर लगातार कराया जा रहा है, दिन में 2 बार कराया जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं इसमें हमारा सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है, अभी पुनः 3 बजे के बाद ही कराया जाएगा। साथ ही साथ हमारा मालातियान 5% की डस्टिंग भी की जा रही है और जहाँ भी कंटेनमेंट एरिया हमारे महानगर में निकले हुए हैं वहाँ नगर निगम पूरी ताकत से कार्य कर रहा है ताकि इन्फेक्शन या संक्रमण बढ़ने ना पाए।